أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صلوات دیکھیے جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے اس کو محفوظ کیجئے یہ 25ویں سورے کی آخری آیت ہے یعنی جس پر سورہ فرقان ختم ہو رہا ہے سورہ فرقان کی آخری آیت 24ویں سورہ سورہ نور 25ویں سورہ سورہ فرقان سورہ فرقان کی آخری آیت کہ تم یہ کہہ دو رسول کہ اگر تم دعا نہ کرو تو تمہارے رب کو بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں ہے قل لا یعبؤ بکم ربی تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے لولا دعاؤکم اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں مگر بات یہ ہے کہ تم فسق و فجور کے پابند ہو تم ظلم و عدوان کے عادی ہو تم شرک و الحاد کی راہوں پر جا رہے ہو لیکن ہم جانتے ہیں
कि अपनी हिफाजत के लिए रातों की तन्हाई में तुम हमको पुकारते हो। तुम्हारा कोई दिन सही, तुम्हारा कोई मसलक सही, मगर हमको मालूम है कि सरासर वजूद इंसान दुआ है, इसलिए कि एहतियाज है, एहतियाज तलब है, तलब लाजिम है, तलब उसी मंजिल पर हो कि जहां कोई देने वाला भी हो, अता करने वाला भी हो। तो तुम्हारे हयात का एक एक शम्मा, तुम्हारे वजूद का एक एक नफस मसरूफ दुआ है। तुम जबान से इनकार कर दो, तुम्हारी फिक्र इनकार कर दे, तुम्हारी अक्ल हमारे वजूद को न माने, तुम फिरौन सही, मगर फिरौन भी रातों को सजदे करता था कि मालिक बचा ले। कहो अल्लाह को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह तुम्हारी परवाह नहीं करता। ला याबू बेकुम रब्बी, अल्लाह को कोई तुम्हारी परवाह नहीं है। लौला दुआउकुम, अगर तुम दुआ न करो, फकत कज़्ज़बतुम, तुमने दुआ भी की और झुटलाया भी, तुमने मांगा भी और ये कहते हुए नजर आए कि हम कब मांग रहे हैं। तुमको तलब भी है और लोगों को यह बतलाना चाहते हो कि हम मुस्तगनी हैं, तुम्हारे वजूद का जर्रा जर्रा मोहताज है हमारा, और तुम ये चाहते हो कि तुम अपनी बेनियाजी बतलाओ। फकत कज़्ज़ब, तुमने झुटलाया। फसौफ यकून लिजामा, तो उसके बाद अंजाम यह हुआ, उसका लाजमी नतीजा यह था कि तुम्हारी तलब और हमारी अता के बावजूद तुमको सजा मिली। देखिए छोटी सी आयत है और मेरी आने वाली 10 तकरीरों के लिए यही आयत उनवान भी है, सूरह फुरकान। इतनी अजीम तरीन फिक्र की हामिल है कि उस पर आप जिस कदर गौर करेंगे आपको कुछ ताज्जुब बढ़ता ही जाएगा। बल्कि कुरान के रोज तिलावत करने वाले तो कभी कभी ये समझ लेंगे कि गोया अभी अभी ये फिक्र मयसर हुई। सूरह फुरकान खत्म होता है इस आयत पर कि तुम्हारे रब को परवाह नहीं है तुम्हारी, अगर तुम दुआ ना किया करो, मगर तुम कर रहे हो दुआ और झुटला रहे हो, और जो उसका लुजूम है, जो उसका लाजमा है, वो जाहिर है कि तुम्हारा अंजाम वही होगा, तुमको भुगतना ही पड़ेगा। मैंने सिर्फ आयत सुना दी इसलिए कि आप को जब फुर्सत मिले सूरह फुरकान निकालें, इस आयत को पढ़ें, इसका तर्जमा पढ़ें, और उसके बाद मैं बतलाऊंगा कि मासूमीन ने तफसीर में क्या इरशाद फरमाया है। श्याम गरीबा की तकरीर में मैं कह रहा था कि दुआ शराफत इंसान है, दुआ तजदीद हस्ती मोमिन है, दुआ रूह जिंदगी है, दुआ अहद इलाही है, और दुआ सही मानम बंद
मुद्दे के मदारिच का पता देती है कि कौन किस तरह से पुकार रहा है। मेरी निगाहों में बाइबिल की दुआ है, मेरी निगाहों में तौरात की दुआएं हैं, मेरी निगाहों में जबूर की मुनाजात, दाऊद के कलेमा, और फिर बाजार में बिकती हुई दुआओं पे भी नजर है। बाजार में बिकती हुई दुआओं पर भी नजर है और फिर उन लोगों की तहरीरें भी नजर से गुजर रही हैं जो कुछ थोड़ी सी रकम लेकर दुआ लिख देते हैं कि रख लो। तो आपने देखा कि ये सब मरातिब दुआ है, ये मरातिब दुआ है, जिस तरह से मरातिब शुजाअत है, मरातिब सकावत है, जिस तरह मरातिब इल्म है, बिल्कुल इसी तरह एक तिफलाना दुआ भी है, एक जाहिलाना दुआ भी है, एक हुसूल जर के लिए भी दुआ है और एक अपने बुजुर्गी व इजलाल को बतलाने के लिए भी है। ये सारी दुआएं मेरी नजर में हैं और मैं रुकता तो नहीं हूं कहने से, मगर मैं चाहता हूं कि अगर खुदा वक्त दे तो ये दो दो आने में जो दुआएं बाजार में मिलती हैं वो लेके कभी पढ़ के देखिए कि इन दुआओं में लिखा क्या है और इनमें मांगा क्या जाता है। तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि दुआ सलीका चाहती है। दुआ सलीका चाहती है, दुआ अदब चाहती है, दुआ निगहदाश्त हुदूद चाहती है कि हदों की निगरानी हो, और दुआ से इंसानियत के जौहर खुलते हैं कि पुकारने वाला कहां किस मंजिल पर क्या पुकार रहा है। मैंने 2 साल पहले नश्तर पार्क की एक तकरीर में एक जुमला कहा था, आज दोहराने की इज्जत हासिल कर रहा हूं। मैंने कहा था एक दुआ मूसा की भी है, रब्बी अरनी अंजुर इलैक, परवरदिगार नजर आ जा ना, मैं तुझे देखूं नजर आ, मैं तुझे देखूं। और एक दुआ मकाम कातम पर है, रब्बी जिदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म को ज्यादा कर, दोनों कुरान की दुआएं हैं। रब्बी जिदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर, दुआ इब्राहिम की है, रब्बी अरेनी कैफ तुहयिल मौता, परवरदिगार मुझे दिखला दे ये मुर्दों को कैसे जिलाता है। और एक दुआ खातम की है, अरेना लाशिया कमा हिया, परवरदिगार अशिया की हकीकत दिखला। तो आपने देखा ये हुदूद दुआ के जैसे जैसे बदलते हैं इंसानियत उज्मा निखरती जाती है और पता चलता है कि इंसान के मदारिज और इंसान के मरातिब पहचाने जाते हैं दुआ।
दुआ से पहचाने जाते हैं। सल्तनत का नज्म व नसक आसान है, हुकूमत और इख्तदार पर आना सहल है, फुतुहात की मंजिलों पे आगे बढ़ना दुश्वार नहीं है। मगर किसी ऐसी हस्ती से कोई दुआ तो मंसूब करके मुझे बतला दे। ये दुआ है, यह दुआ है। मैंने कुछ कहा, आप कुछ समझे। और अब आगे एक और जुमला, वो ये कि एक अजीब हकीकत यह है कि न शाहियों से कोई दुआ मिली, न मुलुकियत ने दुआ का तरीका बतलाया। और इख्तदार और सल्तनत पर आने वालों ने भी बावजूद इस्लाम के कोई ऐसी दुआ की तालीम नहीं दी कि जो विर्द जहान मुस्लिम हो जाए। न मुझे याद है न आपको बाजार में ऐसी कोई दुआ मिलेगी। बाजार में दुआएं कुछ सूफियाए किराम की हैं, कुछ उलमाए उजाम की हैं, और फिर हजरत खत्मी मर्तबत से मंसूब है, वो दुआएं मौजूद हैं। मगर दिल चाहता है कि दुआओं को आप पढ़ें तो इस तरह से पढ़ें कि ये देखते जाएं कि ये कहा क्या, मांगा क्या, तलब क्या। सबसे पहली मंजिल अदब दुआ की, जिस पर तफसीली गुफ्तगु होगी, तहमीद है, यानी उसकी हम्द है, उसकी किबरियाई है, उसकी अजमत का जिक्र है, उसके सिफात का जिक्र है। दूसरा अदब और दूसरी हद उसके मुकर्रब बंदों का जिक्र है। तीसरी मंजिल अपनी बेकसी का जिक्र है, अपनी बेबिजाती का जिक्र है कि मैं कैसे दुआ करूं कि गुनाहगार हूं, और कैसे दुआ न करूं कि सिवा तेरे कोई और नहीं है। तो बहरहाल जब इन हुदूद से आगे इंसान बढ़ता जाता है तो उस मंजिल पर पहुंचता है कि जहां वो बेख्तियार अपनी कमजोरियों को गिनवाता चला जाता है। यानी मांगना है कुछ और, मगर कमजोरियों को गिनवा रहा है, मैंने ये खता की, मैंने ये खता की, मैंने ये खता की, मैंने ये गलती की। तूने इस तरह से पर्दे डाले, तूने इस तरह से मेरी खताओं को छिपाया, तूने इस तरह से मेरी कमजोरियों को पिन्हा किया कि लोगों ने उन कमजोरियों को मेरी शोहरत का बाइस बना दिया। मेरे लिए वही कमजोरियां नेकी का बाइस बन गई, मशहूर हो गया। यह दुआ का एक और भी मकाम अदब है। और इस तरह से जब आप इन हुदूद को देखते हुए जाएंगे तो पता चलेगा कि जैसे तलवार चलाने वाले अपनी अपनी कुव्वत जिस्मी और आगे बढ़ के यकीन कल्ब की बिना पर
शुजात में मर्तबे रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह दुआ करने वाले भी मकाम बंदगी में कुछ ऐसे मरातिब रखते हैं कि एक मर्तबा उसमें वो भी आ जाता है कि ये आबिदों की जीनत है। ये आबिदों की जीनत है। एक हदीस याद रखिए, मैं अपनी मंजिल पर आ गया, रहमत नहीं दूंगा ज्यादा, मगर याद रखने की बातें हैं। सरकार रिसालत ने इरशाद फरमाया, कि ये जो मेरा नवासा है, ये छोटा नवासा, इसका एक बेटा होगा। हदीस रसूल है, इसका एक बेटा हो, जब ये महशर में आएगा तो मलक मुकर्रब पुकारेंगे, ज़ैनुल आबिदीन कहां है? ज़ैनुल आबिदीन कहां है? हदीस रसूल। उस वक्त सैयद सज्जाद सामने, आज उन्हीं का जिक्र है, आज उन्हीं की याद मनाने के लिए हम जमा हुए, आज उसी मजलूम इमाम का तस्करा है, आज उन्हीं की जिंदगी पर गुफ्तगू है। रात की अंजुमन ईरानियान की तकरीर में मैंने यह ऐलान कर दिया था कि मैं उस तकरीर से चंद जुमले आज दोहराऊंगा जो कल रात पहली मर्तबा बड़ी एहतियात के साथ मैंने अदा किए थे, और वो जुमले बड़े अहम, दोहराता हूं इसलिए कि वो मेरी फिक्र की बुनियाद है और आपसे मारूजा है कि उस फिक्र की हिफाजत कीजिए, और उस पर मजीद अगर आप अपनी फिक्र की इमारत को बुलंद करना चाहते हो तो काम कीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इंसान पहचाना जाता है मुजाहिमत से, इंसान पहचाना जाता है मुखालिफत से। जिस पाए की मुजाहिमत है उसी पाए की अजमत भी है, यानी मीजान में है मुजाहिमत और सब्र व शिकेब, मुखालिफत और इस्तेकामत। और यह एक आम कानून है दुनिया का कि अगर मुजाहिमतों से कोई दब जाए तो फिर उभर नहीं सकता, फिर उभर नहीं सकता। और अगर कोई मुजाहिमतों पर काबू पाए तो न फकत तारीख उसको जिंदा रखती है बल्कि वो आने वाले इंसानों के लिए एक दर्स बनता है कि इस तरह से मुखालिफत का मुकाबला करते हैं।
मुखालिफतें उमूमन इसलिए होती हैं कि किसी से उसकी दौलत को छीन लो, उसकी अजमत को छीन लो, उसकी बुजुर्गी को छीन लो, उसके सर को झुका दो, उसको कमजोर कर दो, उसको नाचीज बना दो। मुखालिफत उमूमन इसलिए होती है कि उसके वकार को नुकसान पहुंचाओ। मुजाहिमत इसलिए होती है कि उसकी हैबत को लोगों के दिल से निकालो। मुखालिफत इसलिए होती है कि उसके तकद्दस को लोगों की निगाहों से हटाओ। और यही वो मंजिल है कि जहां जहां जब रसूल मबऊस होकर कुरान की आयतें पढ़ते चले तो मुजाहिमतें कमजोर थी, वो सिर्फ ये कह के आगे बढ़ गईं, शायर है, मजनून है, काहिन है, दीवाना है। मगर जब उन मुखालिफतों पर काबू पाया गया और कहा गया कि शेर सही जवाब लाओ, और जब हो न सका तो अब मुखालिफत इस बात पर, मुजाहिमत इस अमर पर आमादा हुई कि रास्ते से इनको हटाओ, रास्ते से इनको हटाओ। तो ऐसे में अब एक ही सूरत यह थी कि पहले लालच दिया जाए कि अरब की हुकूमत ले लो, सहराए अरब की हसीन तरीन औरत से अहद कर लो, मालो मता जितना चाहो ले लो, मगर हमारी राह से हट जाओ। चचा के जरिए भतीजे को पैगाम मिला, भतीजे ने चचा की सूरत देखी और कहा चचा ये दुनिया और माफिया तो आज की बातें हैं, आफ्ताब और महताब भी मेरे हवाले कर दिए जाएं तो मैं अपनी इस खिदमत से बाज नहीं आऊंगा। चचा आपका क्या ख्याल है? तो वो चचा का जो भी दीन सही, चचा ने भतीजे से कहा बेटे सच है, सच है, तुम जो चाहते हो वही करो। और बाहर निकल के कहा, जरा कुरान मजीद की वो आयत याद रखिए जिसके मैंने इब्तिदा की थी, उस एक लफ्ज की तशरीह को देखिए। बाहर निकल के कहा अलम तअलमु अन्नबनना ला मुकज्जबुन लदैना वला नाबा बिकौलिल अबातिली, तुमको इल्म नहीं है हमारा बच्चा झूठ नहीं बोलता। हमारा बच्चा झूठ नहीं बोलता। वल्ला नाबा, ये अबू तालिब की जबान से नाबा पहले निकला, सूरह फुरकान में बाद में आया कि हम परवाह नहीं करते। बातली, हमको झूठों की परवाह नहीं है, हमको बातिल की परवाह नहीं है। तो अबू तालिब की निगाह में जो बातिल हो,
अब वो बातिल अबू तालिब को हक कैसे माने। मुजाहिमत की मंजिल और आगे बढ़ का रास्ते से हटा दो, रास्ते से हटा दो। अच्छा अबू तालिब, अगर तुमने सरपरस्ती का इंतजाम किया है इनको यहां से हटा दो, हम इनके साथ मुआशरत नहीं चाहते। शेब अबी तालिब में रहे, नजरों से पिन्हा रहे, दुनिया की सख्तियां झेली, पैगाम नहीं बदला, पैगाम नहीं बदला। और उसके बाद अबू तालिब का साया सर से उड़ गया। एक ही महीने में रफीक़े हयात भी खत्म हुई और मुहाफिज़े इस्लाम भी खत्म हुआ। माह मुबारक रमजान, और वही कहने लगे, वही आ गई है कि हिजरत लाजिम है। मक्के से चले, मदीने वालों ने वादा किया कि अपने लहू को पानी कर देंगे, आप आ तो जाएं। आए आए, अब पूरी कोशिश मक्के वालों की यह थी कि अब मुजाहिमत उस मंजिल पर आए कि इनके रिश्ते हयात को कता किया जाए, इनके घर को तबाह किया जाए, इनकी हस्ती को मिटा दिया जाए, इनकी नस्ल को कता किया जाए। और यह समझ के उसने कहा, भरपूर वार बद्र में करेंगे। और जाहिर है कि उसकी उम्मीदें, उसके तवक्कुआत बज़ाहिर अपने असबाब व मालूम मता के एतबार से पूरी हो जाती, पूरी हो जाती। हजार आदमी से ज्यादा आरास्तों पैरास्तों मुसल्लह लश्कर, और यहां 300 के लगभग इंसान जिनके पास न सवारियां न आलाते हरबो जरब, मगर मदीने वालों का यकीन। और ऐसे में वो ये तय करके आया कि अब तो हम खत्म करेंगे मुजाहिमत उस मंजिल पर आई, उस मंजिल कमाल पर आई कि अगली पिछली मुजाहिमतें सब एक जगह मुजस्सम हुई। ऐसा मालूम हुआ कि फिरौन मूसा के मुकाबिल में आए, ऐसा मालूम हुआ कि नमरूद इब्राहिम के मुकाबिल में आए, ऐसा मालूम हुआ कि यहूदी ईसा के मुकाबिल में आए। और इस तरह से सफ़े बदर में आरास्ता हुई तो अंसार ने बढ़ के कहा, वादा हमारा पूरा, हम जाएं। मक्के वालों ने पुकार के कहा, अंसार मदीना के नाम ना सब से हम वाकिफ नहीं है, हम आए हैं किसी और नीयत से, इसलिए अगर हमारी मुजाहिमत को कोई रोके तो वही रोके जो हमसे हो, जो मक्के से हो, जो करशी हो, जो हाशिमी हो, जो मुत्तलबी हो, जिसके नामो नसब को पूछने की जरूरत ना हो, सूरत देख के हम समझ लें कौन आया। और ऐसे में अली हमजा उबैद इब्न हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब निकले, जंग आपको याद है, वो मुजाहिमत
उसके जिस पे ये तय था, जुमलों को फिर समझने की कोशिश कीजिए, यह तय था कि अब आज से विकार मोहम्मद खत्म, आज से एहतराम मोहम्मद खत्म, आज से मोहम्मद की हैबत खत्म, आज से इनका असर और रसूख खत्म। नहीं, यह जो कुद्दूसियत इनके पास है यह भी खत्म। तलवार के जोर से मनवा लेंगे कि कौन इस काबिल है कि उसका एहतराम दुनिया, उसका एहतराम दुनिया की निगाहों में रहे। मगर अजीब बात यह कि मुखालिफत और मुजाहिमत को नाकाम होना पड़ा, लड़ाई का नक्शा बदला, लड़ाई का नक्शा बदला। और जैसा कि मैं अपनी तकरीर में कह रहा था टेलीविजन पर कि बद्र के दिन बेख्तियार रसूल ने दुआ की, अल्लाहुम्मा انت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وانت لي في كل ما نزل بي ثقة وودا। और उसी का मैंने हवाला दिया था कि एक अजीब बात यह है कि जिस तारीख बद्र का बदला लिया जा रहा था उस दिन भी हुसैन ने यही दुआ पढ़ी, सुबह आशू। यह दुआ इस काबिल है कि तफसील से इसका तर्जमा भी हो, गुफ्तगू भी हो, कि इसमें कितने उमूर जेरे बहस आए। दुआ पढ़ी और उसके बाद कामयाबी हुई, कामयाबी हुई। दुआ और दुआए नबी, दुआ और दुआए रसूल, बहुत और से सुनिए, दुआ दुआए रसूल, रसूल कामयाब। तो जिस दिन से के पहली मर्तबा कहा इन्नी रसूलुल्लाह, खुदा और उसका रसूल कहा है कि कभी रसूल को नाकामी नहीं हुई। अबू तालिब जब तक जीते थे रसूल कामयाब थे, खतीजा जब तक थी खतीजा मुहाफिज थी, दौलत सर्फ हो रही थी। मदीना आए तो लड़ाइयां शुरू हुई, बद्र में कामयाबी, उहद में कुछ देर के लिए मुसलमान मारे गए, मगर बाद में कुफार की हिम्मत नहीं हुई कि रसूल तक पहुंच सके। खैबर में कामयाबी, खंदक में कामयाबी, हुनैन में कामयाबी नहीं। लकद नसरकुमुल्लाह फी मवातिन कसीरा, अल्लाह ने कसीर मकामात पर तुम्हारी मदद की। हर मकाम पे नबी कामयाब, बगौर से सुनते जाइए, हर मकाम पे नबी कामयाब। तो अब हैबत बढ़ती ही जा रही है, अब अजमत बढ़ती ही जा रही है, जलालत बढ़ती ही जा रही है, तकद्दस बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया समझ रही है कि अगर ये बद्दुआ करेंगे तो हम तबाह हो जाएं, अगर ये दुआ करेंगे हम कामयाब हो जाएं। अरे यही है ना कि 313 आदमियों को लेके इन्होंने हजारों आदमियों से मुकाबला किया बद्र में, यही थे ना कि चश्मे ज़दन में जिनकी तलवार ने अम्र इब्ने अब्दवत का खात्मा किया, और यही थे कि जिन्होंने क़लए क़ैबर को हिला दिया। मैं दूर के फुतूहात का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं तो मदीने की बातें कर रहा हूं कि मुजाहिमत थी और रसूल काबू पा रहे थे, और इधर
ताजा मुसलमान होने वालों के लिए एक ख्याल यह था कि यह अजमत, यह जलाल, यह हैबत। मेरे मौला कहते हैं इतनी मैंने तलवार चलाई है, इतनी मैंने तलवार चलाई है, और मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा ने खुतबे फिदक में कहा कि मेरे शौहर के इतने तेज हमले थे कि फ़तुम बे कलमतिल इख़लास, कि तुमने बे इख्तियार कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फहतुम, फहतुम एक अजीब तर्जुमा है कि घबरा के कह दी, बेख्तियार कह दी ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपने देखा ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना हैबत रसूल, अजमत रसूल, एहतराम रसूल, बरकत रसूल, कुद्दूसियत रसूल नहीं, ये यकीन दिल को कि यकीनन ये अल्लाह से नजदीक है, जबी तो लड़ाइयां जीत रहा है, यकीनन इसको अल्लाह से कुर्ब है, जबी तो मारा है मरहब को, यकीनन इसको अल्लाह से कुर्ब है, जबी तो अमर इब्ने अब्दवद जैसा पहलवान मारा गया। जैसे जैसे लड़ाइयां फतह से बदलती गई, एहतराम बढ़ता चला, यहां तक के अब एक दूसरी राह इख्तियार की। कल रात जैसे मैं कह रहा था कि आओ रोहबानियत को टकरा दे, तसव्वुफ को टकरा दे, दुनिया से बेजार जिंदगी को टकरा दे, खानकाहों में रहने वाले राहिब जो 20-25 बरस में कभी कभी झरूके से अपनी सूरत दिखा दिया करते थे और जिनकी कुद्दूसियत मुसल्लम थी, वो मुकाबिल पर आए। तो पैगंबर ने कहा डराते क्या हो, डराते क्या हो, तुम ये बतलाना चाहते हो कि हमने बगैर अहलो आयाल के जिंदगी बसर करके ख्वाहिश दुनिया को ठुकराया है, इसलिए खुदा से हमको कुर्बत है, तुम ये बतलाना चाहते हो? नहीं, मैंने शादी की है, मैंने निकाह किए, मेरी बीबियां हैं, ये मेरी एक बेटी है, ये मेरे दो नवासे हैं, ये मेरा दामाद, तुम उधर से आओ, मैं इधर से आता हूं, मैं इधर से आता हूं, सारी कुद्दूसियत देख लेंगे, तुम भी बद्दुआ करो, मैं भी बद्दुआ करता हूं। तो आपने देखा ये मारी का भी सर हुआ, और वो बद्दुआ क्या करते हैं, सूरतें देख के ये कह के चले कि अगर हक पर ना होता, अगर हक पर ना होता तो बेटी साथ ना आती, नवासे साथ ना आते, अपना घर इस तरह से ये कुर्बान ना करता। जजिया देना कबूल किया, मुबाहला भी खत्म, मुबाहला भी खत्म। उसके बाद एक मर्तबा या तो वो आलम के शेब अभी तालिब में चले जाओ, तुमसे हम मुआशरत नहीं रखें, या ये आलम कि या अली जाके कह देना कि आप खाना काबा के पास कोई मुशरिक ना आए, आप कोई मुशरिक ना आए। सूरह बरा, हजारों मुशरिक अब भी थे जिनके नियामों में तलवारें थी, मगर
हैबत रसूल को समझ रहे थे और हैबत रसूल के मजहर को देख रहे थे। खैबर में रसूल साथ थे, खंदक में रसूल साथ थे, बद्र में रसूल साथ थे, ओहद में रसूल साथ थे। सूरह बरात को अली तन्हा ले गए, जान रहे थे कि नफ्सों का नफ्सी आई, दमों का दमी आई, लहमों का लहमी आई, अजमों का अजमी आई। जान रहे थे कि वहदानियत नूर है, मुजाहमत ना हो सकेगी। उधर आवाज दी, आज से कोई मुशरिक नहीं आएगा। और फिर कामयाबी, फिर कामयाबी तो अली की जबान से निकले हुए जुमले, आज से नहीं आएगा तो आज तक ना आ सका। आज तक ना आ सका। इस तरह से सूरह बरात को पहुंचाया कि जहां बतलाया कि खुदूसियत, तहारत, अजमत, विकार, एहतराम और हैबत इस घराने की बाकी है। मैं सिलसिले में अर्ज कर रहा था, दोहरा रहा हूं चंद जुमलों को, कि इसके बाद अब दुनिया ने कहा अब खत्म कर देंगे एहतराम, अब खत्म कर देंगे एहतराम। अली को कहना पड़ा कि मैं समझ गया कि अब मेरे बच्चे कत्ल कर दिए जाएं। फजनन तो बेहिम मनिल मनिया, मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं तलवार खींचता हूं तो मुझे उधर जंग में मसरूफ करके ये दोनों बच्चों को कत्ल कर डाला और इस तरह से कौसर खत्म होगा, सिलसिला एक कौसर खत्म होगा। अब ये लड़ने का वक्त नहीं है, लड़ने का वक्त नहीं है, अब खामोशी। अब तक जंग में एहतराम, अब खामोशी में रो, अब खामोशी में रो। गले में रस्सी बंधी हुई मगर दिल सबके लर्जा कि अली है, अली है। गले में अगरचे रस्सी है मगर अली है। 24 बरस की खामोशी, उसके बाद तलवार खींची, हजारों ने यह तय किया कि खाक में मिला देंगे इनके एहतराम। मगर जमल, सिफी, नहरवान सबों में बतलाया कि नहीं, ये न समझो कि 21 और 22 बरस की उम्र में अगर मैं बद्र का फातह था तो 65 या 63 बरस की उम्र में मैं शिकस्त खुर्दा हो जाऊं। नहीं, अगर पूरा अरब मिलकर लड़ने के लिए आए तो आज भी मैं तैयार हूं, आज भी मैं तैयार हूं। एहतराम, दुनिया ने कहा कि हां यह एहतराम बाकी है, मेरी जान कुर्बान मोहम्मद के बड़े नवासे पर। सुलह करके अजमत को मोहम्मद की बाकी रखा, एहतराम को बाकी रखा। दुनिया यही कहती रही मोहम्मद के बड़े नवासे, मुदाहिनत अंबिया से काम लिया, मुसालहत अंबिया से काम। एहतराम किसी की मजाल न थी। ताबूत पर तीर चले, एहतराम में कमी नहीं हुई। नाना के पास दफन होने को जगह न मिली, लेकिन मैंने अर्ज किया था
फिर अर्ज करता हूं कि हसन से पहले जो लफ्ज इमाम आया, मैं तो क्या सारी मुजाहमत की दुनिया उस इमाम के लफ्ज को हसन से हटा ना सकी। इमाम हसन, इसलिए कि रसूल ने कहा था हुमा इमामाने कायमा औ कायदा, बैठे तो इमाम, खड़े हो तो इमाम। तो सुलह हसन ने फिर भी घर को बचाया, बच्चों को बचाया और कहा कि नहीं, इस एहतराम को रहना चाहिए। बस हो गई गुफ्तगू। माजी की सारी कोशिशें, बदरो उहदो खैबरो कंदको जमलो सिफीनो नहरमान की सारी ताकतें करबला में एक जगह हो गई। करबला में एक जगह हो गई और सबकी जबान पे यही था, आज इस घर को ऐसा बर्बाद करेंगे। आज इस घर को ऐसा तबाह करेंगे कि फिर कोई इस घर का एहतराम नहीं करेगा, फिर इस घर का कोई एहतराम नहीं करेगा। आज इस घर को यूं तबाह कर, मुजाहमत से टकराने वाले के दिल में यह बात आई कि एक इस रास्ते पे भी चल के देखो, इस रास्ते भी चल के देखो। वहां फुतूहात से बचाया एहतराम को, वहां सुलह से बचाया, यहां पूरा घर लुटा के देखो, लुटा के देखो एहतराम रहता है कि नहीं। देखा आपने, मैं इस मंजिल पे था कि खुदा जिसको एहतराम देता है उसका सर कट जाए या घर लूट जाए, उसके बच्चे मर जाए या उसके पूरे खानदान को तबाह कर दे। अगर इस्तेदाद सही है और तलबे सादिक है कि मौला तेरी राह में हो रहा है, तो मौला को तो कुछ और मंजूर है। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, ये बड़ी अजीब फिक्र है, बड़ी अजीब फिक्र। पूरी ताकत है उमड़ आई, फिरौनी यतो नमरूदी यतो हामानी यतो शद्दादी यतो कारूनी यतो अबू सुफियानी यत, सब की सब एक जगह जमा थी और सब पुकार रहे थे यौमुन बे यौमे बदरिन, यौमुन बे यौमे बदरिन, आज बदर का बदला। और ऐसे मौके पे एक मरतबा सुबह से लेकर शाम तक भरा घर लूट गया, भरा घर लूट गया। अजमत और एहतराम की मंजिल, अजमत और एहतराम की मंजिल, ये भी वक्त आया कि इंतकाम के दीवाने, उन्होंने कहा कि जब जलील करते हैं तो इतना जलील करते हैं, पामाल कर डालो लाश। सरों से चादरें छीन लो, इनके हाथों पे रस्सियों, रस्सियों से इनके हाथों को बांध लो और ऐसी मंजिल पर नूह आले मोहम्मद, सफीने आले मोहम्मद को बचाने वाला, आदम आले मोहम्मद सामने आ गया।
इस मुजाहिमत को बाबा अब मेरे हवाले कीजिए। देखा आपने, मैं इस जुमले तक पहुंचा था, अब आगे बढ़ रहा हूं। बाबा आप एक जगह रुके, एक जगह आप रुके तो तख्ते सब्र से इमाम का कदम मुमकिन था कि जरा सा हटे। जब ये आवाज आई कि हुसैन ज़ैनब की बेरिदाई मंजूर है, हटने को था कदम के बेटे ने आगे बढ़ के बाजू थामा, बाबा मंजूर। बाबा मंजू, आप फिक्र ना करें भाई, बहुत तवज्जो से सुनिए। मैं हजरत सैयद सज्जाद की बारगाह में हूं और आप भी इस बारगाह में हैं। अपने इस गरीब इमाम को पहचानिए, अपने इस मजलूम इमाम को पहचानिए। तो बाबा घबराए नहीं, बाबा आप देखेंगे कि इस घराने का वही एहतराम रहेगा, वही कदर रहेगी, वही मंजिलत रहेगी। और बाबा इस घराने की हैबत में जर्रा बराबर फर्क नहीं आएगा। आप मुझ पे छोड़िए बाबा, आप मुझ पे छोड़िए। आप कुंभे की निगाह एक बीमार पर और बीमार काफिला साला, बीमार काफिला साला, अब इधर बीमार की जिम्मेदारी है। मालूम नहीं कितनी तकरीरें चाहिए, कितना वक्त चाहिए। अब जिम्मेदारी आबिद बीमार की, घर उजड़ गया। आबिद बीमार दीन को संभाले, फुरू दीन को संभाले, उसूल दीन को संभाले, अहादीस रसूल को संभाले, सुन्नत रसूल की हिफाजत करें, आसारे पैगंबराने मजी की हिफाजत करें। आबिद बीमार अपने जब की फिक्र की हिफाजत करें, आबिद बीमार अपने हक को बतलाएं। और इतनी जिम्मेदारियों को लेके मेरा मजलूम इमाम जब ताक पहन के चला, जब तौक पहन के चला तो कभी कभी गैरत इलाही, नामूस इलाही, आयत कुबरा इलाही, सानिया जहरा को कभी कभी यह ख्याल होता था कि बेटा सब्र की कोई हद है, बेटा सब्र की कोई हद है। कहा फूफी अम्मा आप मुतमईन हैं फूफी अम्मा, किसी की मजाल नहीं है कई घराने को नुकसान पहुंचाए। फूफी अम्मा अभी तो मैं हूं, मेरे बच्चे दार पे चढ़ेंगे, मेरा खानदान दार पे चढ़ेगा, मेरी नस्लें जिबा होंगी।
खुफी अम्मा, अब तो यह बतलाऊंगा कि अब तक फुतूहात में हैबत थी, अब शहादतों में हैबत है। मेरी बातों को आप समझ गए? अब शहादतों में है खुफी अम्मा, आप परेशान न हो। और यह कहकर चले, कूफा पहुंचे तो कूफे से अभी निकलने भी ना पाए थे कि कूफे में इनकलाब आया। कूफे में इनकलाब आया, गली गली में चर्चा था, वो हुसैन का बेटा है ना, वो हुसैन का बेटा है ना, वो आबिद बीमार है ना, जिसको जंजीरें पहनाई। कूफे की औरतें दामन को फैला फैला के कहती थी, फरजंद रसूल हमारे लिए दुआ करो। बहुत गौर से सुन, कूफे से चले और कूफे में इनकलाब आया, और इतना इनकलाब कि जिसका अंजाम आपको मालूम है कि 3 बरस के अंदर मुख्तार ने एक एक कातिल से बदला लिया, और 1967 हिजरी तक फिर एक कातिल बाकी नहीं रहा। कूफे से चले उस आलम में कि हर तरफ रोने की सदा बुलंद थी, हर तरफ रोने की सदा बुलंद, और जिस रास्ते से कारवान गुजरता कूफे की औरतें कहती ये तो फातिमा की बेटी है, ये हुसैन का बेटा है, आज ये आलम है। चलो आप इतना बीमार, चलो रास्ते में पहुंचे तो वो राहिब जो रसूल से मुकाबले के लिए आए थे वो राहिब भी मिले, वो राहिब भी मिले, और उनके दायर में रात को सर रखे गए, और सुबह पर राहिबों ने आके कदमों पर सर रखा, कहा फरजंदे रसूल हमको मालूम हुआ ये मोहम्मद के बेटे। तारीख है पूरी ये पूरा मक्तल है, फरजंद रसूल हमको मालूम हो गया आप किस खान वादे से, फरजंद रसूल हमारा इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत तवज्जो से सुनिए, वहां मुबाहले में इस्लाम कबूल नहीं किया, जजिया दिया, यहां शहादत के बाद इस्लाम कबूल किया। आबिद बीमार और आगे बढ़े, और आगे बढ़े शाम की मस्जिद कूजा पुश्त ने झुकी हुई कमर पे हाथ रख के कहा तुमने पातशाह वक्त से बगावत की, कहा हमने, हमने कहा, कहा तूने हमको नहीं पहचाना, तूने आयत नहीं पढ़ी कुल्लाकुम अलैहिल मवद्दत फिल कुर्बा, तूने आयत नहीं पढ़ी इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज़्ज़ा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा, तूने आयत नहीं पढ़ी वाते ज़ल कुर्बा, कहां पढ़ी, मगर वो तो अहले बैत के लिए है, कहा हम भी तो अहले बैत हैं। तो उसने कहा कसम खाओ, कसम खाओ कि तुम अहले बैत रसूल हो। आप जब बीमार ने कहा वल्लाही ना नो हूं, अल्लाह की कसम हम अहले बैत हैं, तो हाथों को जोड़ के कहा आपका नाम क्या है, कहा अली, कहा बाबा का नाम हुसैन, कहा फातिमा का बेटा, कहा हां हां, तो कहा ये नाकों पे कौन है,
तो आपने कहा ये फातिमा की बेटियां हैं। तो कहा फरजंदे रसूल, फरजंदे रसूल। अब मुझे आप एक बात की इजाजत दें, मेरा सिंह 90 से ज्यादा है, मैं लड़ नहीं सकता मौला, और लड़ना वाजिब है, लड़ना वाजिब है। आप इजाजत दें मैं रास्ते में लेट जाऊं और ये नाके मुझे कुचलते हुए जाएं, ताकि कयामत के दिन आपके जब से कहूं कि या रसूल अल्लाह मैंने आपकी नवासी को बेपर्दा नहीं देखा। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, अल्लाह आपको अजर दे, अल्लाह आपको अपने इरादों में कामयाब करे। आज आबिद बीमार की शहादत का दिन है, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, न मुझ में ताकत है, न मुझ में ताकत है, मगर मैं चाहता था कि आपकी फिक्र आगे बढ़े। एक और मंजिल आई और वो मंजिल सुन लीजिए, आबिद बीमार मासूम है, इमाम है, और ईमान की जबान से जो जुमला निकले वो नस से सही है, नस से कतई है। इमाम फरमाते हैं दरबार के दरवाजे पर पहुंचे तो मेरा मौला कहता है जैसे ही हम नाकों से उतरे अतौना बेहिबालिन वो रबकूना मिसल लगनामी, कुछ रस्सियां लाई गई और हमको जानवरों की तरह से बांध दिया गया। इमाम के जुमले हैं अताउना बेहिबालिन व रबकूना मिसल अगनामी, रस्सियां लाई गई हमको बांध दिया गया, किसी का गला, किसी का बाजू, किसी की कलाई, इस तरह से चले। अब देखिए आबिद बीमार कारुआ सालार, बादशाह का दरबार, मुस्तबिक का दरबार, जालिम का दरबार, बदर की लड़ाई का बदला लेने वाले का दरबार, और बीबियां घबराई, बीबियां घबराई। तो ज़ैनब ने मुड़ के कहा घबराना नहीं, मैं साथ हूं, मैं साथ हूं, उम्मे लैला चलो, उम्मे फरमा चलो, उम्मे रबाब चलो, मैं साथ हूं, मैं चल रही हूं। पहले दरवाजे को अबूर किया, दूसरे दरवाजे को अबूर किया, तीसरे दरवाजे को अबूर किया, आगे आगे अली की बेटी बड़े जलाल के साथ चल रही है। मगर जब सातवां दरवाजा खुला और अली की बेटी की नजर दरबार पे पड़ी और देखा कि 700 से ज्यादा कुर्सी नशीन है, एक मतलब कमर थाम के बैठे, कमर थाम के बैठ गए। आप इतने बीमार आओ, आप इतने बीमार आओ, मेरा बीमार मौला पहुंचा, हाथों को जोड़ के कहा फूफी अम्मा इतनी मुसीबतें तो झेल चुकी, फूफी अम्मा ये आखिरी मुसीबत है, फूफी अम्मा चलो। तो कहा बेटा तुम्हारा हुक्म है, तुम्हारा हुक्म है, मैं चलूं दरबार में, चलती हूं, जरा बाबा को तो पुकार लूं, आओ बाबा।